वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइज, आप देख रहे हैं दिवृष प्रॉपर्टी ब्लॉग्स और आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले एक और नया प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट का नाम है हिमालय प्राइड जो कि नोएडा एक्सटेंशन में है और आज हम इस प्रोजेक्ट में आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे यहाँ पर फ्लैट डिज़ाइन किया गया है, क्या प्राइस है उसका। तो आगे बढ़ने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मुझे फॉलो कर लीजिए। तो आइए चलते हैं, देखेंगे कैसा ये फ्लैट। और सो गाइज, ये हमारा 3 BHK प्लस किड्स रूम फ्लैट है और अगर हम इसके टोटल एरिया की बात करते हैं तो 1974 स्क्वायर फीट इसका टोटल एरिया है और आज हम देखेंगे कि क्या क्या फैसिलिटीज इस फ्लैट में है। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये रॉ फ्लैट है और हम आपको इस पे दिखाने वाले हैं कि कैसे कैसे क्या क्या एरिया किस तरीके से इन्होंने डिवाइड किया गया है। सो गाइज, एंटर कर रहे हैं हम फ्लैट में। सो गाइज, एंटर करते ही अगर हम ये देखेंगे कि ये हमारा ड्राइंग रूम है जिसके टोटल एरिया की अगर हम बात करें तो 17x11 का ये आपका ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम के साथ आपको ये एक टेरेस दिया गया है, यहाँ पर काफी वाइड स्पेस यहाँ पर दिया गया है। अगर इसके टोटल एरिया की अगर हम बात करें तो 11 फीट के करीब का स्पेस यहाँ पर दिया गया है। आप देखेंगे काफी वाइड स्पेस यहाँ पर दिया हुआ है। तो गाइस, अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते ही अगर आप देखेंगे कि जैसे आपने एंटर किया था मेन गेट से, उसके राइट में आपका ये आपका किड्स रूम है। किड्स रूम के साथ ही आपका अटैच वॉशरूम भी है। काफी स्पेशियस दिया गया है। सो गाइज, ये हमारा डाइनिंग स्पेस है जिसकी अगर मैं एरिया की बात करूं तो 10x8 का ये डाइनिंग स्पेस है। तो गाइज, जैसे हमने किड्स रूम से थोड़ा हम आगे बढ़े हैं, राइट में आपका किचन है। काफी स्पेशियस किचन दिया गया है, एल शेप किचन ये है यहाँ पर। सो गाइज, किचन के साथ में आपको ये बालकनी दिया गया है। सो गाइज, बालकनी की अगर साइज की बात करें तो 5 फीट की ये बालकनी में आपको दी गई है यहाँ पर। ये यूटिलिटी स्पेस भी ये आप देखेंगे कि ये जो जैसे कि आपको पहले ही बताया ये रॉ फ्लैट है तो यहाँ पर आपको मॉड्यूलर किचन वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। इस किचन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आपका ये वॉशरूम है जो कि ये कॉमन वॉशरूम है। सो गाइज, अब हम एंटर कर रहे हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम में जिसकी अगर हम साइज की बात करते हैं तो 11x10 का ये बेडरूम है जिसके साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको वार्डरोब के लिए स्पेस दिया गया है। उसी के साथ में हमारी बालकनी है।
बालकनी के साइज की बात करें तो लगभग 5 साढ़े 5 फुट की ये बालकनी है। ये आप देखेंगे काफी स्पेशियस बालकनी यहां पर दिया गया है। ये आप फ्रंट व्यू देख सकते हैं बालकनी से, वो मेन रोड है। तो आइए आगे बढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि कॉमन वॉशरूम आपका डाइनिंग और लिविंग एरिया को कवर करता है, सेम वॉशरूम का गेट आपका फर्स्ट बेडरूम में भी ओपन होता है, तो आप देख सकते हैं सारा सैनिटरी वर्क यहां पर पहले से ही हुआ हुआ है। अभी थोड़ा अनटाइडी दिख रहा है, फ्लैट आपको रॉ मिलेगा लेकिन थोड़ा क्लीन करके मिलेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम चल रहे हैं हमारे दूसरे बेडरूम में। ये हमारा दूसरा बेडरूम है जो कि मास्टर बेडरूम है। अगर इसके साइज की हम बात करते हैं तो 11x13 का ये मास्टर बेडरूम है, जिसके साथ आपका अटैच वॉशरूम है, बालकनी है, आप देख सकते हैं ये पैसेज यहां पर छोड़ा हुआ है इन्होंने। ये हमारा वॉशरूम का स्पेस आ गया, काफी स्पेशियस दिया गया है। सारी सैनिटरी फिटिंग सारे वॉशरूम में आपको मिलेगी। गाइस ये हमारा थर्ड बेडरूम है जिसकी हम बात करें साइज की, तो 13x10 का ये बेडरूम है, आप देख सकते हैं। इसके साथ भी आपका अटैच बालकनी है। ये बालकनी आपका टेरेस को अटैच करती है। सो गाइस इस रूम में भी आपको ये स्पेस दिया गया है कबर्ड के लिए, इसके साथ ये वॉशरूम अटैच है, आप देख सकते हैं सारा वर्क पहले से ही हुआ हुआ है। फिनिशिंग बाकी है यहाँ पर, ये रेडी टू मूव फ्लैट्स हैं। सो गाइस जैसा कि मैंने आपको अभी फ्लैट दिखा दिया है, काफी अच्छा फ्लैट है, एरिया वाइज काफी अच्छा है। वैसे ये रॉ फ्लैट है जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन अभी कुछ फेस्टिवल ऑफर चल रहे हैं जिनकी वजह से काफ़ी चीज़ें लगा कर दी जा रही हैं, लाइक मॉड्यूलर किचन करा के दिया जा रहा है, कुछ और भी चीज़ें हैं जो आपको फ्लैट में लगा कर दी जा रही हैं, वो आपको विजिट के टाइम पे ही पता लगेगा। जैसा कि ऑफर चल रहा होगा उसी हिसाब से आपको चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करता हूँ। फिर दोबारा से मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें। विजिट अगर आपको करना है तो मुझे कॉल कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करता हूँ, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।